दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की जो वैकेंसी है रेलवे की तरफ से आ रही है। ये ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आ रही है। यहाँ आप लोगों की वैकेंसी इतनी ज़्यादा है गाइस कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों की टोटल वैकेंसी रहने वाली है, 3000 प्लस आप लोगों की वैकेंसी रहेगी। तो गाइज, यहाँ पर आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। 3000 प्लस आप लोग की वैकेंसी रहने वाली है। साथ ही सारी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। अप्लाई किस तरीके से करना है, अप्लाई लिंक कहाँ मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कितने मार्क्स होने चाहिए, किस तरीके से अप्लाई करें तो आप लोग को यहाँ पर जल्दी सिलेक्शन होगा, तो सारी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, फ्रेशर स्टूडेंट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ फ्रेशर हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं। साथ ही देखिए, यहाँ पर इतनी सारी ब्रांच एलिजिबल, मतलब ऑलमोस्ट आप लोग कह सकते हो कि ऑल ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल हैं। बैच आप लोग का कोई भी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि 2022 वाला बैच वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, ज़रूर अप्लाई करें। 3000 आप लोग सोच सकते हैं, 3000 आप लोग की यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। और अप्लाई करने की लिंक, नोटिफिकेशन की लिंक, ये सारे लिंक आप लोग को कहाँ मिलेगी कि वो जान लीजिए, वो भी मैं बता देती हूँ। देखिए, अगर आपको अप्लाई लिंक जानी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। और अप्लाई लिंक भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथ ही साथ। और टेलीग्राम चैनल पर मैं ऐसी ही और भी अपडेट यहाँ पर लाती रहती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ऐसी ही छोटी छोटी अपडेट मैं टेलीग्राम पर देती रहती हूँ। तो चलिए, हम लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ हमारा ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। ये जो वैकेंसी है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से रिक्रूटमेंट आप लोग की आ रही है, कोलकाता की तरफ से। यहाँ आप लोग का पूरा फुल नोटिफिकेशन दिया गया है। स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, ये सारी चीज़ें आप लोग जान लीजिए। यहाँ आप लोगों की अप्रेंटिस रहने वाली है और अप्रेंटिस के सभी रूल्स आप लोग के गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगी। आप लोग स्टार्टिंग डेट देख लेते हैं। और गाइस, मैं आप लोग को हमेशा अप्रेंटिस करने के लिए बोलती हूँ, वो भी ऐसी टॉप कास्ट जॉब की तरफ से। यहाँ पर मतलब जैसे रेलवे हो गया और बेल हो गया, यहाँ पर ECIL हो गए, तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। यहाँ से अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो आप लोगों को भी प्रॉफिट रहेगा। साथ ही यहाँ पर आप लोग की गवर्नमेंट जॉब निकलती है, परमानेंट जॉब निकलती है, उसमें आप लोग को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे डेट है स्टार्टिंग डेट नोटिफिकेशन की जो डेट है, 29 मार्च को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था ये। और साथ ही देखिए, ऑनलाइन होने की डेट, जो हमारी ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है, इस जॉब की स्टार्टिंग डेट आप लोग की 11 अप्रैल है। 11 अप्रैल से ये जो है यहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब ये स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ इन्फॉर्म कर दूँगी, जिससे कि आप लोग अप्लाई कर पाए। क्लोजिंग डेट है इसकी यहाँ पर 10 मई है आप लोगों की। 10 मई को आप लोग का ये जो है लास्ट डेट होगी। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, आप लोग को बाकी चीज़ें बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, सबमिट वगैरह करने की, किस तरीके से सबमिट करना, सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएंगी। बाकी देखिए, यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। सबसे पहले, ट्रेड अप्रेंटिस होती है ITI वालों के लिए। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस ITI वालों के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, ट्रेनिंग रहने वाली है। देखिए, यहाँ मैं आप लोग को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे PWBD वाले हैं, एक्स सर्विस मैन है, या फिर यहाँ पर UR वाले हैं, OBC, SC, ST, EWS, ये सभी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे आप लोग, जैसे यहाँ पर आप लोग की डिवीज़न में पहली जो वैकेंसी है, पहले नंबर की सबसे पहली वाली वैकेंसी आप लोग के यहाँ पर देखिए ट्रेड दिया गया है। यहाँ पर आप लोग की कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर नेशनलिटी वगैरह ये सारी चीज़ आप लोग को यहाँ पर दी गई हैं। अब देखिए, थोड़ा स्क्रॉल करते हम लोग यहाँ पर जान लेते। देखिए, आप लोग की यहाँ पर जो है ये ITI वालों की सारी ब्रांच दी गई, फिटर है, वेल्डर है, मैकेनिक है, मैकेनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर है, लाइनमैन है, वायरमैन है, रेफ्रिजरेशन कंडीशनिंग मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिकल, यहाँ पर कई सारी ब्रांच दी गई है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है पूरी आप लोगों की डिवाइड कर दिया गया है, ये चार्ट दिया गया है, ये डिवाइड कर दिया गया है आप लोग का।
कैटेगरी वाइज। टोटल पोस्ट इसकी 267 है यहाँ पर। तो इसी तरीके से देखिए मैं मेन मेन चीज़ें बताऊँगी क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें तो मेनली देख ही सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड है आप लोग की वर्कशॉप में आप लोग यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। यहाँ आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी है और आप लोग की कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है ये आप लोगों के लिए। और यहाँ आप लोग की सारी ब्रांचेस दी गई हैं, जो भी ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल है। टोटल पोस्ट आप लोग की 249 है। तो गाइज यहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब एक तरीके से बहुत आप लोग पोस्ट दे रखिए। इसी तरीके से थर्ड आप लोग की यहाँ पर जॉब है, थर्ड ओपनिंग है। थर्ड ओपनिंग के लिए यहाँ पर देखिए पोस्ट देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर ब्रांच कौन कौन सी है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वगैरह, मैकेनिक वगैरह, ये सारी एलिजिबल है। यहाँ देख लीजिए ये सारी ब्रांच आप लोग की दी गई हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पर 117 है, तो यहाँ आप लोग की दी गई है। साथ ही देखिए थोड़ा स्क्रॉल कीजिए आप लोग की, यहाँ पर ये नंबर फोर्थ वाली आप लोग की जॉब है, इसके लिए सारी ब्रांच आप लोग की यहाँ पर दी गई है। टोटल है 76 पोस्ट हैं यहाँ पर। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड ट्रेड आप लोग की यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ फिफ्थ नंबर की जॉब है, 57 पोस्ट दी गई है। कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रांच देख वो आप ब्रांच देख सकते हैं। अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप लोग को ये 6 नंबर जॉब है आप लोगों की, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर सारी आईटीआई की ब्रांच दी गई है। 167 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। इसी तरीके से यहाँ पर नंबर 6 वाली जॉब है, यहाँ पर नंबर 7 जॉब है आप लोगों की। साथ ही यहाँ पर आईटीआई की ब्रांच दी गई है। टोटल 268 यहाँ पर वैकेंसी है और आप लोगों की यहाँ पर सारी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई है। रिजर्वेशन कोटा दिया गया है, वो आप लोग देख सकते हैं। मेन मेन चीज़ की मैं बात कर लेती हूँ, जैसे मेन मेन चीज़ आप लोग को अप्लाई किस तरीके से करना है। एलिजिबिलिटी आप लोग की अगर एज मिनिमम 15 है अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 24 होनी चाहिए, 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया तो वो रिलैक्सेशन मिल जाएगा आप लोगों को। एजुकेशन में आप लोग NCBT से, जैसे NCBT या SCBT से ITI किया हुआ है इन ब्रांच के में, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। NCBT SCBT से आप लोगों ने ITI किया, 10th के बाद ITI किया, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का कुछ नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, नो एग्ज़ाम। और यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को बता दूँ, जो हमारी मैं फीमेल कैंडिडेट है और एक्स सर्विस मैन है, उनके लिए नो फीस, उनके लिए फीस पे नहीं करनी है। ओनली ऑन फीस किसके लिए पे करनी है, जैसे जनरल वालों के लिए या फिर OBC वालों के लिए, इनके लिए फीस पे करनी है, वो भी 100 रुपीज़, ठीक है, ये चीज़ है मेन। और यहाँ पर आप लोगों की मोड सिलेक्शन है मेरिट के आधार पर, वो जो आपके 10th और ITI में मार्क्स आए हैं उसके आधार पर आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल आप लोगों का यहाँ पर क्राइटेरिया है, तो उसके आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अप्लाई ज़रूर कर दें। साथ ही यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर देखिए फीस देख लीजिए, फीस मैं आप लोग को बता रही हूँ, फीस 100 रुपीज़ है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, और एक्स सर्विस मैन और SC ST कैंडिडेट है, वुमेन कैंडिडेट है, उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। अप्लाई करने की लिंक आप लोगों को गाइस डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, अप्लाई करने की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये जो लिंक है आप लोगों की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अप्लाई जरूर कर देना। और वैकेंसी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना।